मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। शाह के मोर्चा संभालने के बाद बीजेपी को पॉजिटिव फीडबैक मिला है। सूत्रों के अनुसार अभी तक बीजेपी संगठन को निगेटिव फीडबैक मिल रहे थे कि शाह के मोर्चा संभालने के बाद संगठन को जो रिपोर्ट भेजी गई है उसका फीडबैक पॉजिटिव मिला है। एक तरफ चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाएं पर घोषणाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संगठन लगातार पार्टी को मजबूत करने में जुटा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि शाह के मोर्चा संभालने के बाद कौन से वे पांच काम है जिसके कारण बीजेपी को पॉजिटिव फीडबैक मिला है। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन ने अपने बूथ स्तर पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। करीब 63,000 बूथ स्तर की नेटवर्किंग लगातार फील्ड में उतर कर काम कर रही है। सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए बूथ स्तर से काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार नेगेटिव फीडबैक मिलने के बाद 12 जुलाई को अमित शाह अचानक भोपाल दौरे पर पहुंचे। इसके बाद शाह ने चुनाव की कमान खुद संभाल ली। एमपी में लगातार अमित शाह के दौरे का असर अब दिखाई भी देने लगा है। शाह के एमपी में एक्टिव होने के बाद प्रदेश का संगठन भी एक्टिव हो गया है। अमित शाह हर मुद्दे की मॉनिटरिंग अपने लेवल पर कर रहे हैं। वही अमित शाह ने अपने एमपी दौरे पर फोकस करते हुए कहा था कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले सभी सीनियर साथियों को मनाया जाए। जो वरिष्ठ नेता नाराज हैं उन्हें मनाने के लिए कद्दावर नेताओं ने उनसे संपर्क किया है। नाराज नेताओं को विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद उनके विधानसभा क्षेत्रों में नाराजगी कम हुई। वही विधानसभा चुनाव से पहले कई तरह की अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी के सभी सीनियर और नाराज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। हर क्षेत्र के नेता को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। नेताओं को ये भी संदेश दिया गया है कि इस विधानसभा चुनाव में संगठन के दम पर मैदान में उतरना है, किसी एक चेहरे के दम पर चुनाव मैदान में नहीं उतरना है। वही मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव के लिए करीब 2 महीने का वक्त है। बीजेपी कर्नाटक विधानसभा में हार के बाद से ही एमपी में लगातार एक्टिव है और इस बार बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। आमतौर पर चुनाव की घोषणा होने के बाद उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने चुनाव से पहले ही 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिस कारण से प्रत्याशियों को जनसंपर्क के लिए पर्याप्त समय मिल सके। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।